So today we will do the new topic metric spaces. Metric heading देंगे आप अपनी कॉपी पे बेटा, सब लिखेंगे, बाद में बेटा बुक से रीड आउट करेंगे, रीडिंग करेंगे इसकी. मेट्रिक स्पेसेस, सबसे पहले इसमें बेटा है मेट्रिक. मेट्रिक में बेटा हम क्या बात करते हैं, मेट्रिक पता कहां पे आता है, मेजरमेंट में आता है. ठीक है, अब यहां पे मेट्रिक की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज मेट्रिक. हम वैसे मेट्रिक स्पेस को हम कहते हैं स्पेस ऑफ डिस्टेंसेस, स्पेस ऑफ डिस्टेंसेस. ठीक है, सो व्हाट इज मेट्रिक, सबसे पहले डेफिनेशन है मेट्रिक. मेट्रिक की आपने पहले, मैं सारा पहले बेटा फिगर से समझाऊंगी. पहला पॉइंट याद कर लो, मेट्रिक रियल एनालिसिस में, जब मेट्रिक की बात होती है रियल एनालिसिस में, तो मेट्रिक एक फंक्शन है. रियल एनालिसिस में मेट्रिक इज अ फंक्शन, राइट. तो मेट्रिक आर डिफाइंड एज डी. वैसे बेटा जब फंक्शन आता है ना, फंक्शन आप क्या लेते हैं, फंक्शन मींस यू हैव टेकन एफ जी एच, बेसिकली ये इस तरह के फंक्शन हम लेते हैं. ठीक है, जब हमने वेरिएबल्स लेने हैं, देन आई विल टेक एक्स वाई जेड. जब आपने सेट का नाम रखना है, सो यू विल टेक कैपिटल ए बी सी एंड वट एवर इट इज. तो यहाँ पे मेट्रिक अगर एक फंक्शन है, तो मेट्रिक का नाम क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसका नाम है डी. जब भी एक फंक्शन डिफाइन होता है, पहली बात वो डिफाइन किस पे हो रहा है, डिफाइन हो रहा है बेटा वो एक स्पेस, एक सेट के ऊपर. ठीक है, यहाँ पे हमने लिया x क्रॉस x, दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर सेट है बेटा ये. ठीक है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स क्या है, x y, द वन द दिस x इज कमिंग फ्रॉम x एंड दिस y इज कमिंग फ्रॉम x, तो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर. उसके बाद मैपिंग गई, इनपुट मिल गई, ये इनपुट थी. अब मुझे क्या मिलनी है यहाँ पे, आउटपुट. आउटपुट के लिए मैं क्या करूंगी, इसको ये मैंने लिखा dxy, ये मेरा क्या है, आउटपुट, राइट. सो बेटा आप फंक्शन और जितनी भी मैंने पहले वीडियोस डाली हैं वो जरूर सुने बेटा. ठीक है, वो आपके लिए ही डाली गई है, LMS पे भी मैंने अपलोड की है और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, जहां से मर्जी आप उसको एक्सेस कर लें. तो why I have taken D, क्योंकि आपका ये दोनों सेट्स आपस में एसोसिएटेड हैं. तो dxy जो एक एलिमेंट है, ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, बोलने में क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y. और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये किस में जाएगा, ये पूरा का पूरा r में जाएगा, राइट. क्योंकि आर के अंदर हमारे पास सारे पॉजिटिव ना, डिस्टेंस बेटा देखो, डिस्टेंस सिर्फ इंटीग्रल नहीं होता, इंटीजर नहीं होता है. डिस्टेंस 2.4 भी हो सकता है, 9.4 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 7.3 हो सकता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द रेंज, द रेंज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है जी, सो डी इज अ फंक्शन, डी इज अ मेट्रिक, इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ any set, ठीक है, with the domain, with the range as a subset of R. So this is metric. One thing is clear to all that distance between any two points is always greater than or equal to zero. So, but if it satisfies the four properties only, then it is called metric. हर function को metric नहीं बोलेंगे. मैं अगर मान ले मैंने एक function define किया है f of x is equal to 2x plus 3, तो बेटा ये metric नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात ये x में सिर्फ एक ही element आ रहा है, लेकिन हमारे पहले domain में कितने elements है बेटा, x and y है. Clear? चलो, अब अगर ये चार properties को satisfy करता है तो ये कहलाएगा metric. ऐसे फिगर सबने बना ली है. कंसेप्ट क्या है, तो लिखिए लेट एक्स बी अ, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड तीन एलिमेंट्स हमने उठा लिए बेटा, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, बी एनी, बी एनी three elements, ठीक है.
then the function d, कहां से कहां, from x cross x to r, r बड़ा clear है, this is a set of reals, is called metric on x if it satisfies the following axioms or condition. जब भी मेट्रिक की डेफिनेशन आए बेटा एग्जाम में तो आपने ये उस तरह से पूरी स्पेसिफाई करनी है, पूरी क्लियर करनी है. नंबर वन, लिखने में dxy आएगा, ठीक है, बोलने में आएगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको कहेंगे नॉन नेगेटिविटी. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है जी. सेकेंड प्रॉपर्टी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. आप एक ही पॉइंट पे खड़े हैं बेटा, एक ही पॉइंट पे खड़ी हूं मैं, यही मेरा x है यही मेरा y है, तो दोनों में डिस्टेंस yes, कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट इज दोनों साइड से, अगर डिस्टेंस जीरो है तो पॉइंट सेम है, अगर पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है जी. नंबर थ्री स्वीट ट्रिक, चाहे आप डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई देख लें, चाहे आप डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स देख लें, सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन मॉड बेटा, ठीक है. थ्री और फोर दो नंबर है, तीन और चार का डिफरेंस या चार और तीन का डिफरेंस, तो बेटा सेम आएगा, देखो आता है कि नहीं आता, ठीक है जी. तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई टू, हाँ डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, इसको कहते हैं सिमेट्री, राइट. एंड नंबर फोर इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई. मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ बेटा, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाती हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए. जस्ट वेट, यस, नेक्स्ट आएगा बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है. डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड, एक मिनट दोबारा लिखो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आना है, राइट. और इसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. क्या मतलब, ठीक है, कोई भी, वैसे मैं वैसे राइट है, कोई भी मैं ट्रायंगल ले रही हूं, ठीक है, इस तरह से, तो ये मैंने ले लिया. अगर हम सीधा बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, सीधा बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट. तो सपोज करिए मेरी ये जो मैंने इसको इसमें साइड्स ले ली मेरी, ये मेरी साइड है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड, अब जेड ले लो इसको, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, इसको ले लो डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई, और ये ले लो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. तो बेटा इस साइड का जो सम, ये जो साइड है ये दोनों साइड्स के सम से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है, क्लियर ही है. भी एक साइड जो है ट्रायंगल की दो साइड्स के सम से क्या होगी, छोटी होगी. तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई, ठीक है जी. सो ये चार प्रॉपर्टीज हो गई इसके लिए, मेट्रिक को सेटिस्फाई करने के लिए, 1, 2, 3 and 4, राइट. सो D will be a metric if it satisfies all these four properties.
So a metric D. Metric D is also called distance function. मैंने पहले आपको कहा भी जो metric space है, this is a space of distances. So metric is also called distance function. ठीक है, and represented by the non-negative real number dxy, right? It is called distance between x and y. So what is a metric? Metric is a function defined on the space x cross, on the set of ordered pairs x cross x to the set of real numbers. If it satisfies the four properties, then D becomes a distance function and represented by a non-negative real number dxy called distance between x and y. So whenever I will say the distance between x and y, so every time what you will do, you will write this. Ye aapka expression aaye. Okay? So next definition is metric space. Bahut mazedar hai, bahut interesting hai beta ye. Bilkul bhi boring nahi lagega aapko. मेट्रिक स्पेस. अब अगला हेडिंग देंगे मेट्रिक स्पेस का. ठीक है, हाँ जी. अब आपने क्या किया, एक्चुअली बेसिकली तो आपने एक एक्स उठाया. ठीक है, एक्स उठा के साथ में क्या ले लिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक फंक्शन लगा दिया. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, ये हो गया मेट्रिक और ये हो गया स्पेस. तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये तो अभी सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बता रही हूं कि x कॉमा डी, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस. ठीक है, तो लिखने में क्या आएगा, इफ x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, आप लिखिए, इफ x इज अ नॉन एम्प्टी सेट and D is a metric on X, and D is a metric on X, then the set X together with the metric D is called metric space. It's called metric space and denoted by pair x comma d and denoted by the pair x comma d. ठीक है जी. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सेट से स्पेस कब बन जाता है. ठीक है, हाउ अ सेट बिकम अ स्पेस, सेट से स्पेस कैसे बन गया, क्योंकि सेट था एक्स. ठीक है, तो स्पेस कैसे बन गया, जब इसके साथ क्या लग गया है, डी मेट्रिक लग गया इसके साथ. और बेटा जो भी प्रॉपर्टीज लगाई हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की जब बात करते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है. डिस्टेंस देख रहे हो ना आप सारे. यस मैम. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस, ये साथ नहीं जाना ज्योमेट्रिकल. जहां पे डिस्टेंस की बात आ गई मतलब वो ज्योमेट्री है आपके पास. ठीक है, तो जब किसी भी सेट पे कोई ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लग गई तो ये मेट्रिक स्पेस बन गया. वेक्टर स्पेस पढ़ के आयो बेटा आप सेमेस्टर नंबर 4 में शायद. ठीक है, वेक्टर भी तो एक सेट ही होता है ना. पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होता है. ठीक है, जो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. कौन कौन सी, एक तो क्लोज अंडर एडिशन और क्लोज अंडर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एलजेब्राइक प्रॉपर्टीज है, दीज आर द एलजेब्राइक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यहां कौन सी लगी? ज्योमेट्रिकल। वेक्टर स्पेस में कौन सी लग गई? एलजेब्राइक। तो सेट तो वही था ना एक्स, चाहे मैं ये सेट यहाँ पे भी ले लू, यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिकल लगा दी मिट्रिक की तो ये बन गया मिट्रिक स्पेस, यहाँ पे मैंने वेक्टर्स की एलजेब्राइक प्रॉपर्टीज लगा ली तो यही सेट क्या बन गया बेटा? वेक्टर स्पेस। सो व्हेनेवर सम ज्योमेट्रिकल और एलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज इम्पोज्ड ऑन अ सेट, देन सेट बिकम्स अ स्पेस, देन सेट बिकम्स अ स्पेस, राइट? यस मैम। नेक्स्ट बेटा जी, so I hope ki